हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो फूड वेंचर फोक्स और अभी मैं हूँ लोकमान्य तिलक टर्मिनस में। ये कुर्ला का स्टेशन है, स्टेशन आप देख सकते हो, और वो जो है वो है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस जिससे हम ट्रैवल करने वाले हैं आज। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं गोवा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। दुरंतो में मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। लास्ट टाइम मैंने मत्स्यगंधा एक्सप्रेस से ट्रैवल किया है और अगर आपको ट्रेन की कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ लेफ्ट साइड पे मैं थंबनेल पे डिटेल्स अपडेट कर लूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल्स डाल दूँगी, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में भी वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट से। तो देखते हैं आज का हमारा सफ़र कैसा होता है। दुरंतो के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, सुपरफास्ट ट्रेन है। तो मैं दुरंतो में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ और सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, दुरंतो का पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहली बात कि ट्रैवल कैसा होता है, मतलब इनका सर्विस कैसा है, और खाना, इनका जो खाना सर्व करते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है ऐसा मैंने सुना है। तो देखते हैं खाना कैसा होता है दुरंतो में, और ट्रेन की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कहाँ से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक एंड होती है, लास्ट स्टॉप कौन सा है। पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। अगर आप गोवा जा रहे हो या जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है और सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए।
तो ये जो आप देख रहे हो ये है केबिन। ये फोर सीटर होती है, ये है लोअर बर्थ और ये है अपर बर्थ। सो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, पिलोज, ब्लैंकेट्स वगैरह। यहाँ पे ये लाइट्स दिए गए हैं, ऊपर है रीडिंग लाइट। और ये साइड में एक टेबल दिया है जहाँ पे आप चाय कॉफी वगैरह पी सकते हो। यहाँ पे दो साइड टेबल्स दिए हैं, जब आप लंच करना चाहो या डिनर करना चाहो तो इसे निकाल के यहाँ पे आप खाना खा सकते हो। और ये स्टेप्स है, सो काफी नीट और क्लीन लगा मुझे। तो ये है कूपे का सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ दो ही सीट मिलेंगी आपको और बाकी का सारा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाएगा और यहाँ पे भी एक मिरर है और ये लाइट्स के लिए है। और ये जो बटन है ये आपको दिया गया है ताकि आप अटेंडेंट को कॉल कर सके, तो आपको जो भी ऑर्डर करना है वगैरह वगैरह आप इस बटन की सहायता से वो कर सकते हो। काफी सॉफ्ट सीट्स हैं। तो ये दरवाजा दिया है, इसे आप आराम से बंद कर सकते हो, ऊपर लैच है तो आप उसे लॉक कर सकते हो। यहाँ पे ये कर्टन्स दिए हैं तो आप आराम से ऐसे कर्टन्स बंद कर सकते हो। ऊपर की तरफ भी एक लाइट है। सो फिर से एक बार गाइस, ये है कूपे दुरंतो एक्सप्रेस का और इसमें सिर्फ दो ही सीट्स हैं, ऊपर और नीचे। लेकिन अगर आप केबिन देखोगे तो चार सीट्स मिलेंगी आपको, दो इस तरफ और दो इस तरफ। तो अगर आप दुरंतो में टिकट बुक करते हो और आप अगर कपल हो तो यहाँ पे आप कूपे बुक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस दुरंतो ट्रेन का सारा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ट्रेन के इंटीरियर्स कैसे हैं, ये टिकट मुझे कितने में पड़ी है और यहाँ का सर्विस कैसा है। खाना यहाँ का काफ़ी लाजवाब है ऐसे मैंने सुना है, तो आज देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा होता है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ट्रैवल, फूड और नेचर रिलेटेड वीडियोस बनाते रहती हूँ। और अगर ये आपको ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं जो भी वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स यूट्यूब पे शेयर करती हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक नहीं करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो। नीचे आप लगेज रख सकते हो, काफी स्पेशियस है, एक डस्टबिन भी दिया गया है वहां पे। और यहाँ स्टेप्स है तो स्टेप्स की सहायता से आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर भी दिया है वहां। तो अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 8:15, ये ट्रेन थोड़ी जल्दी आ गई है प्लेटफॉर्म पे। हम ट्रैवल करने वाले हैं 8:50 को, सो 8:50 को दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ से निकलेगी और गोवा रवाना होंगे हम। तो आप लोगों को दुरंतो का एंट्रेंस दिखा देती हूँ।
ये है मेन एंट्रेंस, ये सारे केबिन है, ये है कूपे। यहाँ पे सिर्फ दो सीट्स अवेलेबल है और ये सारे केबिन्स है। ओ सॉरी, यहाँ पे भी एक कूपे है। ये है दुरंतो का केबिन, यहाँ पे एक मिरर दिया है और ये कर्टन्स। काफी बड़ा विंडो है और सीट्स जैसे मैंने कहा काफी कंफर्टेबल है। ये देखिए नीचे भी यहाँ पे काफी स्पेशियस है, एक डस्टबिन भी दिया है वहां पे। और ये साइड से ये जो है ये स्टेप्स है, आप आराम से कंफर्टेबली ऊपर जाकर यहाँ पे लेट सकते हो। और साइड में यहाँ पे दो टेबल्स भी दिए हैं, तो जब लंच और डिनर सर्व करेंगे वो लोग तो यहाँ पे ये ओपन कर देते हैं। सो एसी काफ़ी तेज़ है, ये ट्रेन जस्ट अभी आई है प्लेटफॉर्म पे और बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल सा फील आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉटल होल्डर दिया है और यहाँ पे आप कुछ भी टंगा सकते हो ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे एक होल्डर है। ये लाइट्स भी दी है, ये रीडिंग लाइट्स है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बेडशीट और टॉवल दिए हैं। तो अभी टाइम हुआ है 8:50 और ट्रेन स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर ये ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। बड़ा मजा आ रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो ये हमारा केबिन है सी। हेलो सर। हेलो। यस प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। मील के लिए वेजिटेरियन लेंगे नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। ऑल ऑफ यू नॉन वेजिटेरियन फूड? यस। ठीक है। थैंक यू। What are the timings? यार टाइमिंग्स क्या है आप ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह कितना टाइम पे सर? आप तो मडगांव जाएंगे ना आप लोग? हाँ। So tonight dinner और सुबह चाय अगर पियेंगे तो रात को। तो डिनर कितने बजे आप सर्व करते हो? एक घंटा लगता है मैडम। मतलब 10 बजे? जी हाँ, उससे पहले सूप लेंगे तो, सूप पियेंगे तो। अच्छा जी, ओके। सूप है, डिनर है, डिनर में आइसक्रीम। ओके, और ब्रेकफास्ट कितने बजे सर्व करते हैं सुबह में? तो मडगांव के बाद होता है, शुरू होता है। मडगांव के बाद ब्रेकफास्ट है? अच्छा, तो हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा इस ट्रेन में। ओके ठीक है, ठीक है। ओके थैंक यू। आपका नाम? इम्तियाज खान। ओके थैंक यू इम्तियाज जी। गाइस प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को इफ यू आर एंजॉयिंग दिस कंटेंट। दुरंतो की ट्रेन में यहाँ पे बेसिन नहीं है, तो बेसिन जो है वो आपको टॉयलेट में इंडियन स्टाइल
और वेस्टर्न स्टाइल में अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन बाहर की तरफ यहाँ पे कोई बेसिन नहीं दिया है। सो दिस इज अ प्रेशराइज सिस्टम विच ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर, सो यू कैन जस्ट फ्लश दिस। तो ये जो लाइट देख रहे हो आप, ये फ्लश के लिए दिया गया है। इसे अगर आप प्रेस करोगे तो फ्लश ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक टिश्यू और डस्टबिन भी दिया है। इस तरफ आप देख सकते हो, आप अपने बैग, कपड़े या कुछ भी टंगा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिन जो है वो बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ टॉयलेट में दिया गया है। तो ये है इनका बेसिन, यहाँ पे हैंड वॉश दिया है, और ये है बेसिन। मैं आपको बता दूँ, तो आप अगर प्रेस करेंगे तो ये हैंड वॉश आएगा और आप अपने हाथ धो सकते हो यहाँ पे। तरफ आपको जेल स्प्रे भी मिल जाएगा। ये क्या है? सूप। ये सूप के लिए है। ओके। कौन सा सूप है? स्वीट कॉर्न। ओके। सूप में ऑप्शंस है क्या? नहीं, एक ही सूप। ओके। यूजुअली टोमेटो सूप सर्व करते हैं ना आप लोग? तो कभी टोमेटो, कभी ये स्वीट कॉर्न का है, कभी वेज है सर। ओके। अच्छा इम्तियाज, कितने बॉटल्स है पर पर्सन? जी, पर पर्सन कितने बॉटल्स देते हो आप? सिंगल, एक ही बॉटल है पर पर्सन। अच्छा, ओके। अच्छा, ये स्विचेस के बारे में जरा बताएंगे? वो एक तो ये CS और FL क्या है? CS हो गया चार्जिंग के लिए, हो गया CS चार्जिंग के लिए है। और ये हो गए लाइट के हैं, लाइट के स्विच। कौन सा वाला है? ये लाइट है और एक वो बेल है फर्स्ट में। अच्छा, ये लाइट का मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सा लाइट है, क्योंकि बंद तो नहीं हो रहा है। एनीवेज, ये बेल के लिए है जी। हाँ। तो अगर कुछ भी रिक्वेस्ट कराना हो तो ये बेल का बताओ। अटेंडेंट, कोई अटेंडेंट है उनके पास जाएगा, बेल उनके केबिन में इनका वो रहता है। अच्छा, उनके केबिन में जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अभी टाइम हुआ है 9:50 और इन्होंने ये स्वीट कॉर्न सूप सर्व किया है। काफ़ी गर्मा गर्म सूप दिख रहा है। यहाँ पे अमूल बटर दिया है और ये है ब्रेड स्टिक्स और ये कुछ आयोडाइज सॉल्ट और ये शायद पेपर होगा। यस, ये पेपर है। चलिए तो ये स्वीट कॉर्न सूप इंजॉय करते हैं। सूप ट्राई करते हैं। यस, थैंक यू।
काफी गर्मा गर्म सूप सर्व किया इन्होंने। इतनी ठंडी में काफी मजा आ रहा है, केबिन बहुत ठंडा है। टेबल लगाना है या हो जाएगा आपको? हो जाएगा, फिर वहां से गिर जाएगा, एक ही डिश वहां पे आएगा। हाँ निकाल दीजिए एक टेबल। टेबल का सब लॉक निकल जाता है, थोड़ा सा आप कैरी करेंगे या ऐसा ऐसा उठाओगे तो अच्छा रहेगा आपको, नहीं तो फिर हाँ ठीक है स्लाइड हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो वेज ग्रेवी में लेके आना। ओके बट ये संभालिए मैडम इसको भी थोड़ा। हाँ दो रखा मैंने बट फिर भी संभालिए। थैंक यू। इसमें हो गए ये वेज। अच्छा ये वेज में, और ये क्या है? पनीर है? मटर पनीर है। क्या है? मटर पनीर। मटर पनीर, ओके थैंक यू। तो ये मैंने नॉनवेज बुक किया है, और उसके साथ ही साथ मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे थोड़ा एक वेज भी भेज दीजिए, तो उन्होंने मटर पनीर भेजा है। तो देखते हैं नॉनवेज में क्या क्या आइटम सर्व किए हैं इन्होंने। गर्मा गर्म रोटी, कुछ ड्राई वेज पोटैटो की भाजी है, ये जीरा राइस सर्व किया है, ये शायद दाल होगी, ये दाल है, शायद ये चिकन है। ओके तो ये नॉनवेज मैंने ऑर्डर किया था, और इसके साथ ही साथ मैंने उनको पूछा कि नॉनवेज के साथ वेज में क्या ऑप्शंस है, तो उन्होंने बोला सारी आइटम्स सेम है एक्सेप्ट चिकन के जगह वो यहाँ पे उन्होंने मुझे ये मटर पनीर दिया है। डिनर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आलू की सब्जी से, अच्छी सब्जी है ये। इन्होंने चिकन की ग्रेवी दी है, पहले मैं ऐसे ही जस्ट ट्राई करती हूँ इसका टेस्ट कैसा है, देखती हूँ। अच्छा स्वाद है, दाल को राइस के साथ ट्राई करती हूँ। ये अच्छे से मस्त तड़का लगाकर उन्होंने दाल बनाई है, रेड चिली देख सकते हो आप। साथ ही साथ उन्होंने पिकल भी दिया है, काफी होमली फीलिंग आएगी आपको, एकदम घर जैसा खाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल मसालों का यूज करके इन्होंने बनाया है खाना। ये दही दिया है, मटर पनीर को भी ट्राई करते हैं। ये बड़ा सा पनीर का पीस,
इनफैक्ट मुझे चिकन से ज्यादा ये पनीर पसंद आया, इसकी ग्रेवी काफी अच्छी है। I can go for the second bite as well. It's really nice. Okay, now let me enjoy my meal. तो हमारा डिनर खत्म हो चुका है और ये उन्होंने आइसक्रीम सर्व की है। ये हैवमोर की आइसक्रीम है, आप देख सकते हो। तो अभी रात के 12:30 बजे हैं और हम खेड़ स्टेशन पहुंचे हैं। सो ये ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है। सो फ्रेंड्स, इस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। ये ट्रेन जो है वो कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से LTT से एर्नाकुलम तक जाती है और हमें उतरना है मडगांव में। सो LTT से मडगांव के बीच सिर्फ रत्नागिरी एक ही स्टॉप आएगा, लेकिन अभी 12:30 बज चुके हैं और ये ट्रेन थोड़ी स्लो है और खेत स्टेशन पे रुकी है। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं ये दुरंतो एक्सप्रेस सच में सुपर फास्ट है और हमें 6:20 तक पहुंचाती है या थोड़ा डिले होता है। तो जिनको स्टॉप्स के बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए उनको मैं बता दूं, ये है IRCTC का रूट मैप और आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रत्नागिरी जाएगी, फिर मडगांव, फिर मैंगलोर जंक्शन, कोझिकोड और फिर एर्नाकुलम। सो इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप है एर्नाकुलम। सो फ्रेंड्स, खेत स्टेशन पे ये ट्रेन ऑलमोस्ट 17 मिनट्स तक रुकी थी और अभी जस्ट चल पड़ी है। गाइस, ट्रेन थोड़ी सी लेट है, थोड़ी डिलेड है, तो उन्होंने चाय सर्व की है और ये कुछ बिस्किट्स दिए हैं। टी किट, ये टी बैग, ये शुगर और ये डेयरी क्रीमर। This is Unibig biscuit, oats digestive biscuit दिया है। So now let me enjoy my chai with some biscuit and I'll see you soon. अच्छा, तो अब दुरंतो के ट्रेन की खाने की बातें करते हैं गाइस। तो अगर आप मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन पूछोगे कि दुरंतो का खाना मुझे कैसा लगा, तो मैं यही बताऊंगी कि मुझे इतना भी कुछ वाव फैक्टर नहीं लगा खाने में। हाँ, जो उन्होंने पनीर और
मटर की सब्जी जो दी थी वो थोड़ी बेटर लगी मुझे चिकन के मुकाबले। चिकन जो था ना गाइस वो थोड़ा सा सख्त था, थोड़ा हार्ड था और थोड़ा चुई था। मुझे ऐसा लगता है कि इतना हम प्राइस पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी में इससे थोड़ा बेहतर तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि दुरंतो की टिकट फ्लाइट टिकट से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है गाइस, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशन तो हर पैसेंजर की रहेगी। गाइस मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है, क्योंकि आज मैंने ट्रैवल करा है और कल को आप भी ट्रैवल करोगे तो ऑफ कोर्स आप बेटर खाना ही एक्सपेक्ट करोगे इस प्राइस पे। ओके, तो अब बात करते हैं दुरंतो के टिकट के बारे में गाइस। तो अगर आप दुरंतो से ट्रैवल करना चाहते हो तो दुरंतो का टिकट प्राइस क्या है उसका मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, फेयर ब्रेकअप LTT टू मडगांव, मतलब मुंबई से गोवा तक का जो सफ़र है उसका पर टिकट प्राइस मुझे पड़ा है 3,310 रुपीज़, और ये लेफ्ट साइड पे लिखा है मैंने। राइट साइड पे उसके अलावा जो एडिशनल कॉस्ट इंक्लूडेड है वो भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो टिकट फेयर 3,310, उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ GST विच इज़ 0.35 पर पर्सन। उसके अलावा कन्वीनियंस फ़ी भी चार्ज की है विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ GST 35.40, और टोटल अमाउंट होता है 3,345.75। उसके साथ ही साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी इंक्लूड किए हैं इन्होंने, और उसका प्राइस है 11.80। सो मतलब टोटल पर पर्सन पर हेड का जो कॉस्ट है दुरंतो में ट्रैवल करने का वो आपको पे करना पड़ेगा 3,357.55। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइस, आप स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड पे केटरिंग चार्जेस देख रहे हो ना 280, ये पर पर्सन के डिनर के चार्जेस है जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे दुरंतो से, और अगर आपने कभी दुरंतो से ट्रैवल किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अब गोवा में आने के बाद हम किस होटल में रुकने वाले हैं, गोवा के होटल के चार्जेस क्या हैं, और नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा कौन सा बेटर ऑप्शन है, और गोवा में हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, ये सब कुछ आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में देखोगे। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए, और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना प्लीज़। और मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।